माय गॉड, आज तो मेरे कपड़े सब कुछ मैस होने वाले हैं गाइस। चलो इसको रखते हैं साइड में। अंडा कहाँ गया? ओ माय गॉड, ये चिपक गया बाल में। ओहो, निकलो भाई निकलो, तुम कहाँ चिपक गए? अंडा साइड में आ गया पूरा, ये रहा, ये देखिए, दिखा आपको? ये यहाँ पर आ गया मेरे बालों पर। कोई नहीं, इसको जहाँ गिरेगा हम वहीं से इसको क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे ताकि बालों को पूरा कवर कर लेंगे। हाँ चलो, यहाँ पर तो देखो लेंथ पर तो लग गया। ठीक है, चलिए आते अब दूसरा अंडा। इसको मैं इस साइड में फोड़ती हूँ, यहाँ से आप लोग देखना। ठीक है, देखते हैं ये इस साइड में आएगा पूरा। ये कहाँ? हाँ, ये अंडा पूरा अच्छे से लगा है। वाह, स्कैल्प पे लग रहा है कि हाँ यार कुछ अंदर गया। थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ। वाह, ये अच्छे से लगा अंडा। चलिए इस तरह से मैं कर लेती हूँ ताकि कोई भी बाल है ना बाकी ना रह जाए। सो गाइस, आज बहुत ही अमेजिंग रेमेडी मैंने बनाई है, बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट किया है, एग ट्रीटमेंट अपने बालों पे। एंड हुआ क्या, वो ट्रीटमेंट करने के चक्कर में मेरे पूरी मैट नया, एकदम नया जो मैंने ऑर्डर किया ना रग, उसको मैंने 2 दिन हुए बिछाया और सारा अंडा है ना उस पर गिर गया। मतलब गिरता तो है ही, मैस तो होता ही है। सो ट्रीटमेंट तो हो गया मेरा। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस पूरे रग को मैंने लिया है बाहर एंड मैं कर रही हूँ इसको वॉश, क्योंकि फिर अंडे की स्मेल आएगी ना। सो 2 जगह गिरा था, छोटा छोटा ही गिरा था थोड़ा सा। सो मुझे अब इसको क्लीन करना है। लगाने के बाद पूरा मैस हो गया। तो देखा कितनी सारी मेहनत हो गई। चलो ठीक है, अच्छा है, वैसे तो धुल गई, ये चीज धोनी थी मुझे। वैसे 4-5 दिन ही हुए थे, नया आया था तो इतनी जल्दी गंदा तो नहीं होता, बट फिर भी ठीक है। चलो कैसे भी हुआ, धुल तो गए सब सब चीजें। एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बिकॉज ये पैक को हो गए आई थिंक 1 घंटा पूरा हो गया, मैंने 11 बजे लगाया था और ये देखिए बज रही है 12। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, इसको वॉश करने और आफ्टर रिजल्ट मैं शेयर करूंगी।
सो मिलते हैं। पूरा गर्मी देखिए, पसीने पसीने हो गए, पैक पैक भी पूरा लटक गया, देखो यहाँ आ गया, चश्मे के अंदर गिर गया पैक। सो नहा कर आती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय। गाइस यहाँ पर मैं शावर लेकर आ गई, नहा ली हूँ, अभी बाल पूरे गीले हैं इसलिए ये रैप कर रखा है टॉवल। एंड अभी देखिए मैं 12 बजे मैंने आपको बोला था, शायद 12 बजी थी, अभी 1 बज गई है। ये देखिए 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है ना। तो मैंने कपड़े भी धोए, एक ड्रेस, दो ड्रेस थी वो वॉश करी, उसके बाद नहाई हूँ एंड अभी आके बैठी हूँ मैं। तो बस मैं अपना लंच लेकर आई हूँ, लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अब मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा रूम भी क्लीन, मतलब रूम तो साफ ही, अब मैंने वो धोकर रैग रखी है ना, जल्दी से वो, जब रैग नहीं रग, सॉरी रग जो है वॉश कर ली है, अभी सूख जाएगी, उसके बाद मैं रूम है वो पे लगाऊंगी वापस से, ठीक है। सो फिर मैं आज सोचूँ, आज आपको रूम टूर करवा दूँ, है ना, करवा दूँ या कल करवाती हूँ, कल करवाती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में रूम टूर आएगा मेरा, रूम टूर, ओके। सो आप लोग बने रहना और देखना, और रूम टूर के साथ साथ आप लोगों के जो नेम है ना वो भी अनाउंसमेंट हो जाएंगे। मैंने आपको आई थिंक कल के व्लॉग में बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला गाइस। चलिए ये वाला पार्ट कर देती हूँ जल्दी से, जितना जल्दी वो करके ख़त्म करो, है ना, वरना माइंड में रहता है ये काम करना है करना है करना। सो जल्दी से मैं आज के व्लॉग में ही आपको कंटिन्यू बने रहना, नाम जो है वो अनाउंसमेंट कर दूंगी मैं, कौन कौन से हैं, किन किन को मुझे गिफ्ट्स देना है, ठीक है। एंड ये सारे गिफ्ट्स मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। सो बस जो मेरे साथ कंटिन्यू कनेक्ट है काफ़ी टाइम से, एंड हर चीज़ में वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, इंस्टा हैंडल सब्सक्राइब कर रखा है, यहाँ तक कि कमेंट्स एवरी डे आते हैं, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, आप वीडियो शेयर करते हैं, मतलब बहुत सारा आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। एंड काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को देख रही हूँ, सो मैं अपनी खुशी से हमेशा से गिफ्ट देती आई हूँ, तो इस बार भी मैं आप लोगों को दूंगी। एंड किस किस को देने वाली हूँ उनका नाम जल्दी अनाउंस कर लूँगी, आगे आगे कंटिन्यू रहेगा फिर, ठीक है। नाम अनाउंस करूँगी एंड फिर मैं बता दूँगी आपको क्या करना है, ठीक है। जो भी गिफ्ट्स होंगे वो सारे सरप्राइज गिफ्ट होंगे, बस आपको अपना एड्रेस मुझे सेंड करना है मेरी मेल आईडी पर, है ना, मेरी मेल आईडी पर, जो कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे दी है। आपको उस मेल आईडी पर जाना है और अपना फुल एड्रेस, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, पूरा सब कुछ फुल एड्रेस लिखना, ठीक है। उसके बाद मैं पिन कोड ज़रूर लिखना, स्टेट जो है वो लिखना, सिटी लिखना, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखना, ये सारी डिटेल लिखना, तभी कुरियर जो है ना वो आपके एड्रेस पे सही आएगा, वरना रिटर्न हो जाता है। सो आप लोगों को पूरा अच्छे से करना, अगर नियर बाय कोई ऐसा लोकेशन है ना जो बहुत फेमस हो, तो आप नियर करके उस लोकेशन का भी नाम लिख सकते हैं। सो आपके एड्रेस पे एक ही बार में आपको जो है गिफ्ट वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो नए हैं चैनल पे, जिनको नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा चिश ब्यूटी जो चैनल है उसके ऊपर शुरू से मैं गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती आई हूँ, मतलब जो भी मुझे पसंद आता है, जो मेरा सपोर्ट कर रहा होता है रेगुलर बराबर, है ना। अब जैसे कि आप बोलेंगे दी हमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो हमें भी गिफ्ट दीजिए, बट यार मुझे नहीं पता ना सब्सक्राइब किया या नहीं किया, आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मैं जानती हूँ, कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप हैं, है ना, वरना ऐसे तो देखिए बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब कर रखे हैं, है ना, तो उनका तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। इसलिए अगर आप लोग मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, और मैं बहुत टाइम से मैं वॉच करती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ कौन कौन मेरे सपोर्टिव हैं, है ना, कौन कौन मुझे वीडियोज़ को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सारी इंस्टा हैंडल से उनको सब, और किस एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ फाइनल कि मुझे किसको गिफ्ट्स देना है। तो अभी है वो काफ़ी टाइम बाद में किया है मैंने, लेकिन फिर भी अभी मेरा बहुत मन था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर कर दिया जाए। तो गिफ्ट्स जो भी हैं वो सारे सरप्राइज़ गिफ्ट ही रहेंगे, आपको बस मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग है ना बस क्या करना, अभी नाम मैं बाद में अनाउंस कर दूंगी, टोटल 5 लोग होंगे या कितने होंगे आई डोंट नो, मैं मुझे देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं नाम अनाउंस कर लूँगी, और आपको मेरे मेल आईडी पर एड्रेस देना है बस। और आपका जो पार्सल है वो 2 दिन या 3 दिन लगेंगे मुझे यहाँ से डिस्पैच करवाने में, तो 2-3 दिन में डिस्पैच होगा, फिर आप तक पहुँचेगा, मतलब आप ये समझ लो 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारी बातें हो गई, अब जल्दी से मैं अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ अब आपसे, ठीक है। सो गाइस लंच हो चुका है, एंड अब आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे गंदा काम क्या लगता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर
मतलब क्या काम ऐसा है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता? मुझे पता है, नेल्स काटना सबसे ज्यादा बुरा लगता है, इतना गंदा लगता है ना मेरे, इस चक्कर में मेरे नेल्स इतने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ये देखो कितने सारे कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं ना, यहाँ देखिए अब देखा है ना। एंड राइट हैंड में तो बिल्कुल भी मेरे से कंट्रोल नहीं था, मतलब लेफ्ट हैंड में बढ़ जाए तो चलो ठीक है, राइट हैंड में तो मेरे नेल इतने गंदी तरीके से बढ़ते हैं ना, देखो कोई शेप नहीं, पता नहीं कौन सी दिशा में जाते रहते हैं और इतनी जल्दी बढ़ते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है सीरियसली मेरे, मतलब मुझे नेल काटना सबसे बुरा लगता है, सबसे गंदा काम लगता है मुझे नेल कट करना, पता है। एंड नेल का एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी नाखून काटते हैं, देखिए एक तो थर्सडे को जुमेरात के दिन नाखून नहीं काटते हैं, और फ्राइडे को जुम्मे के दिन नाखून ज़रूर काटिए, है ना, और उससे बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, जो जो मुझे पता है एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड हाँ, नाखून एक जगह बैठ के काटने चाहिए, पूरे घर में नाखून नहीं बिखेरने चाहिए, और काटने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, नाखूनों को बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है, घर में नहीं फेंकते हैं, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं नाखून से रिलेटेड, तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, इसलिए एक जगह बैठे हैं, क्योंकि जब हम नाखून काटते हैं ना तो ये काफ़ी उछल उछल के इधर उधर जाते हैं ना, इसलिए एक जगह बैठ के नाखून कट करिए, ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक जो मुझे पता था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एंड आपको कुछ पता हो तो आप भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड नाखून काटने का इतना रिलैक्स फील होता है ना, कुछ काम नहीं होता, पता हर काम में नाखून इतने ज़्यादा बीच में अड़ते हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको, और थोड़े से बढ़ जाते हैं तो काटने के बाद इतना रिलैक्स फील होता है, और मेरे नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत बहुत जल्दी बढ़ते हैं। आप लोग बोलते हो ना दी नेल बढ़ाने की रेमेडी बता दीजिए, नेल कैसे बढ़ाए, पता नहीं आप लोग के नेल क्यों नहीं बढ़ते, आप ये इसकी भी मतलब मांगते हो, वैसे तो मैंने शेयर की है चैनल के ऊपर, है ना, क्योंकि मैंने 2-3 बार पहले यूज़ की थी, लेकिन अब तो इतने फास्ट नेल बढ़ते हैं ना, अब तो मुझे कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है नेल और हमारे बाल है ना प्रोटीन के बने होते हैं, तो आप लोग है ना प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाइए, तो आपके नाखून भी बढ़ेंगे और बाल भी बढ़ेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना रिलैक्स मिलता है नाखून काटने पर, रियली में बहुत रिलैक्स फील होता है। मैंने कहा चलो आज इसको लेके बैठ ही जाता, वरना रोज़ रोज़ है ना कहीं नेल कटर इधर उधर कहीं, आज तो थोड़ा रिलैक्स होके अपना काम कर लेता। अब ये वाले हैं, इन पे इनको हल्का सा काटूंगी मैं, क्योंकि मैं नेल पेंट लगाऊंगी अब। आपको पता है मैं हमेशा नेल पेंट कब लगाती हूँ, 7 डेज होता है ना तब लगाती हूँ, है ना, तो अभी मैं अपने इनको रिमूव करके पहले थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, फिर इनको रिमूव करके और फिर नेल पेंट अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं 7 डेज लगा सकती हूँ नेल पेंट, तो मैं हमेशा हर महीने के 7 दिन में नेल पेंट लगाती हूँ, बाकी नहीं लगाती है ऐसे, है ना। सो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं फिर लगाएंगे। आपको आवाज आ रही है टन 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 टन, जैसी गर्मी आई ना तो गली गली में ना वो आइसक्रीम वाले घूमने लग जाते हैं। हाँ तो मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ साथ में नेल काटते काटते, फिर भूल जाऊंगी मैं ना, या मैं नेल कट करके फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। चलिए नेल कट करती हूँ फिर मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए रिजल्ट अब मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हुए हैं, ये जो एक ट्रीटमेंट मैंने किया, इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चिश ब्यूटी चैनल पे मिल जाएगी, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सबसे ऊपर, तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं पूरी, ओके। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, एंड आप लोगों के सामने है रिजल्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बाल सिल्की हो गए, स्मूथ हो गए, काफ़ी बाउंसी लुक आया है। सो वहाँ पर पूरा डिटेल से वीडियो मैंने बताया है, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर देखिएगा, ओके। एंड अभी तक चिश ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और चिश्तिया क्रिएशन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, वहाँ पर एवरी डे वीडियोज़ दे रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्ती कलेक्शन आ रखा है अभी, सो वहाँ पर भी कल वीडियो गई है, तो आप लोग चिश्तिया क्रिएशन को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया आई थिंक, एंड ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैंने अपने जो है वो चोटी बांध ली है, फोल्ड भी कर लिया है बालों को इस तरह से, है ना। बस एंड व्लॉग बन चुका है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।